हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन सभी पार्टियां अभी से एक्शन में। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है उनके बंगाल दौरे का। आज दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा डायमंड हार्बर पहुंचेंगे। डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ये समझिए कि टीएमसी की तैयारी क्या है। दरअसल ममता बनर्जी ने भी कमर कस ली है। ममता बनर्जी भी दोपहर 12 बजे अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड आज जारी करेंगी। अब की बार बंगाल में आर पार। बंगाल विजय का बीजेपी अध्याय। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की घेराबंदी तेज कर दी है। दो दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर हैं पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और ममता की पुलिस। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी ये ध्यान में रहे, ये सरकार हर दिन नहीं रहने वाली। 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, ये हमको ध्यान में। ममता बनर्जी भी बीजेपी पर तगड़ा पलटवार कर रही हैं। सिलीगुड़ी में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताते बोल शॉर्टकट मैंने छोटा टाइप है पुलिस तो चले ना पुलिस तो यूज ही करना जेपी नड्डा दो दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे तो हेस्टिंग्स इलाके में बने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और हुंकार भरी कि यहीं से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की शुरुआत होगी और अगले साल के चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को कोलकाता पहुंचने पर नड्डा का जबरदस्त स्वागत हुआ, जमकर ढोल बजे। बंगाल की परंपरा के मुताबिक स्वागत हुआ। परंपरागत बंगाली वेशभूषा में सजी महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य किया, जमकर नारेबाजी हुई। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। ये वो चुनाव बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा ने ममता के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में दम दिखाया। जेपी नड्डा ने यहां रथ यात्रा निकाली। इसी इलाके से ममता बनर्जी खुद विधायक है। नड्डा के स्वागत में भवानीपुर में भारी भीड़ दिखी, कार्यकर्ताओं ने फूल भी बरसाए। ममता के इस गढ़ में नड्डा ने साथ ही लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। नड्डा ने यहां ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का बड़ा आरोप लगाया। और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है, हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा, लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया। जेपी नड्डा ने कल शाम कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर में पूजा की। ये मंदिर भी ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर से सटा हुआ है। आज बंगाल दौरे के दूसरे दिन नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के चुनाव क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे नड्डा की डायमंड हार्बर में रैली होगी। शाम 4 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 7:40 पर कोलकाता से दिल्ली रवाना होंगे। ममता जारी करेंगी रिपोर्ट। बीजेपी के राजनीतिक हमलों को जवाब देने में जुटी है ममता बनर्जी। बीजेपी बार बार ममता बनर्जी के 10 साल का हिसाब पूछ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी आज दोपहर 12 बजे अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है।
राजनीति गहमा गहमी के बीच बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से एक दिन पहले कूच विहार में स्वप्न दास नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि लगता है राजनीतिक हत्याओं में ममता बनर्जी हिटलर का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी में घमासान और बढ़ने वाला है।